आज की इस वीडियो में हम हिंदी बी बीकॉम प्रोग्राम का एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे, हिंदी बी का। ठीक है, हिंदी बी यहाँ पे आप देख सकते हो, सब्जेक्ट का नाम ये है। सिलेबस पे थोड़ा ओवरव्यू हम देख लेते हैं। यूनिट वन है आपका हिंदी गद्य उद्भव और विकास, हिंदी गद्य रूपों का सामान्य परिचय। यूनिट टू में आपके तीन चैप्टर हैं, प्रेमचंद, प्रसाद और एक और है। ठीक है, और यूनिट थ्री में आपके अगेन तीन चैप्टर हैं, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हजारी, प्रसाद द्विवेदी। यूनिट फोर में आपके दो हैं, आपके भारतेंदु अंधेरी नगरी और महादेव वर्मा की बिबिया। ये चार यूनिट्स आपकी हैं। अब इसका एक बार हम एग्ज़ामिनेशन पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ामिनेशन पैटर्न में अगेन मैं आपको कहूँगा 75 मार्क्स का पेपर है और टोटल 5 या 6 क्वेश्चन हैं। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य के विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए या फिर संस्मरण के विकास क्रम का सामान्य परिचय दीजिए। इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। क्वेश्चन नंबर टू है, गुंडा कहानी का प्रतिपाक्ष लिखिए या फिर नमक का दरोगा कहानी के शिल्प पर प्रकाश डालिए। दोनों में से कोई एक। यूनिट थ्री है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध का प्रतिपाक्ष लिखिए या फिर वैश्वत्ता और भारतवर्ष निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है, नाटक के तत्वों के आधार पर अंधेरी नगरी की समीक्षा कीजिए या फिर बिबिया में चित्रित स्त्री की समस्या पर प्रकाश डालिए। बिबिया जो आपका चैप्टर है उसके अंदर जो स्त्री के बारे में बताया गया है उसकी क्या समस्या है उस पर प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर फाइव है, किन्हीं एक पर टिप्पणी लिखिए, प्रेमचंदोत्तर कहानी और शुक्लयुगीन निबंध। प्रेमचंदोत्तर कहानी, प्रेमचंद की जो कहानी होती हैं उससे रिलेटेड 7 मार्क्स में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, जिसमें से आपको दो, क्वेश्चन नंबर 6 के दो पार्ट हैं। ठीक है, हर पार्ट में इंटरनल चॉइस आपकी है, इसमें आपको नोट लिखना है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, एक पेज मिसिंग है हमारे पास। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह का होगा, आपका एक होगा का के अंदर एक पर्टिकुलर पैराग्राफ है जो आपके सिलेबस में से ही है, जो अलग अलग निबंध या नाटक आपके सिलेबस में है, और करके दूसरा पैराग्राफ होगा अगेन, वो भी आपके सिलेबस में से ही होगा। इन दोनों में से किसी एक पर आपको इसकी व्याख्या करनी है इस पैराग्राफ की, 10 मार्क्स में। इसी तरह से खा पार्ट होगा, खा के भी दो अलग अलग पैराग्राफ होंगे, इंटरनल चॉइस रहेगी, किसी एक पैराग्राफ में आपको उसकी व्याख्या करनी है, और ये जो पैराग्राफ वगैरह हैं ये आपके सिलेबस में से ही होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हिंदी बी का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है जो आपको कवर अप करना है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।